इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है ए सेल हैविंग ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। चलो ये वाली जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ईएमएफ ई और इट हैज ऑल्सो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और ईएमएफ ई प्लस माइनस। ठीक है, ये वाली चीज कहता है पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो द प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आर। व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन दिस वी एंड आर, दिस वी एंड आर के बीच हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द वी एंड आर। सो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले देखो इसका फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड मतलब फर्स्ट मेथड जैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी होता है ना, गांव में अपने गांव देहात में जुगाड़ टेक्नोलॉजी होता है, कोई भी काम बड़े आराम से हो जाता है। ठीक है, किसी प्रोफेशनल को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, शहर में जनरली कोई भी चीज़ जैसे थोड़ा सा भी चीज़ कोई ख़राब हो गया तो हम प्रोफेशनल को बुलाते हैं, पर गाँव वाले अपना काम चला लेते हैं यार। तो कुछ ऐसा ही जुगाड़ टेक्नोलॉजी से इससे करते हैं हम लोग। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर भी और आर के बीच अगर ग्राफ बनाया जाए, अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ाता हूँ, आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो भी की वैल्यू भी तो बढ़ेगा। ओम्स लॉ इसको अभी भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अगर इस पर ओम्स लॉ लगाओगे तो भी आर की वैल्यू बढ़ाओगे, भी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, सिर्फ इसका ऐसे तो ये भी है ना, तो लीनियर वैरी नहीं करेगा, बट मैं सिर्फ अगर इसी के बारे में सोचता हूँ, आई एम जस्ट नेगलेक्टिंग दिस, सिर्फ मैं इसी के बारे में सोचता हूँ तो अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो भी की वैल्यू भी बढ़ेगी, सिर्फ इसी के बारे में सोचो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बात क्लियर है कि आर की वैल्यू बढ़ाने से भी की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि बढ़ेगी। अब इस वाले में देखो, आर की वैल्यू बढ़ाने से भी की वैल्यू कम हो रही है तो ये कभी सही नहीं हो सकता। यहाँ पे R की वैल्यू बढ़ाने से V की वैल्यू कम हो रही है तो ये कभी सही नहीं हो सकता, या तो ये सही है या तो ये सही है। ठीक है, 50-50। अब सोचो, ठीक है, R की वैल्यू मैं कितना बढ़ा सकता हूँ, R की वैल्यू मैं मैक्सिमम कितना बढ़ा सकता हूँ, ऐसे सोचो लॉजिकली। R की वैल्यू मैं मैक्सिमम इन्फिनिटी ले जा सकता हूँ, तो V की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, बी की वैल्यू जो सोर्स बोल्ट, ये जो सोर्स लगा है भाई, इस सोर्स के बराबर भी तो हो सक, बराबर ही तो हो सकता मैक्सिमम वैल्यू। इस ऐसा थोड़ी है कि हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिए और इधर हमें मिला 100 वोल्ट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमने 10 वोल्ट लगाया, मैक्सिमम ये 10 वोल्ट ही हो सकता है। ठीक है, तो अगर आर इन्फिनिटी मतलब आर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ठीक है समझ रहे ना, आर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो बी की मैक्सिमम वैल्यू ई के इक्वल हो सकती है। और इस वाले ग्राफ में देख रहे हो कि आर बढ़ते चला जा रहा है और बी बढ़ते चला जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, और इस वाले ग्राफ में देखो कि आर बढ़ रहा है लेकिन वी की वैल्यू बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते ये इसको टच कर देगा। ठीक है, तो जब इसको टच कर देगा तो ये वी के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये गलत है और ये वाला सही है। क्लियर है, तो ये जुगाड़ जैसे मेथड है उस टाइप से है। चलो अब इसको एक्चुअल में करते हैं, ये लीनियर वेरिएशन नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी है तो यहाँ से अगर मतलब मैं सेकंड मेथड से अगर करूँ जैसे प्रोफेशनल, ठीक है, तो जो बुकों में छापा गया, बुकों में लिखा गया है उस टाइप से चीज़, ये तो बुद्धि वाली लॉजिक वाली दिमाग वाली चीज़ थी। तो ये जो सेकेंड मेथड है, अगर देखो जब सेल चार्जिंग होती है, सेल चार्जिंग होती है तो सेल अगर चार्ज होती है तो ये जो वोल्टेज वी है वो ई एम एफ ई माइनस आई इंटरनल रेजिस्टेंस आर के इक्वल होता है, ये होता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिकली ये इसने एनालिसिस कर रहा हूँ कि अगर मुझे इसका ग्राफ चाहिए तो मुझे वी और आर में एक रिलेशन चाहिए, या ई एम एफ ई और आर में एक रिलेशन चाहिए जो हमें बता सके कि ग्राफ कैसे वेरी करेगा। तो चलो, तो ये करेंट आई, इस सर्किट में करेंट आई बोलो, इस सर्किट में जो करंट आई बैटरी सेंड करेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो करंट आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपन टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये वाली चीज़।
तो अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, पुट दिस वैल्यू हियर, तो V इज इक्वल टू ई एम एफ ई और ई एम एफ ई कैपिटल R प्लस स्मॉल R और स्मॉल R से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो फाइनली अगर तुम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से ई एम एफ ई कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस स्मॉल R और कैपिटल R प्लस स्मॉल R, ये वाली चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ से बच्चों ई एम एफ ई और 1 माइनस 1 अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल R और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी और ई एम एफ ई में एक रिलेशन मिल गया, ये तीनों इसमें हैं। कौन कौन? कैपिटल R, स्मॉल R तो कॉन्स्टेंट है, कैपिटल R, ई एम एफ ई और भी, ये तीनों आपस में रिलेशन रखते हैं, इस तरह से रिलेट हो गए। तो अब देखो इस ग्राफ को, अगर देखोगे ग्राफ को बाई ग्राफ, ठीक है, बाई ग्राफ अगर देख सकते हो तो देखो, ठीक है, दिमाग लगा सकते हो, ये नॉन लीनियर वेरिएशन है, नॉन लीनियर वेरिएशन है, नॉट स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉट स्ट्रेट लाइन, ये बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इस लॉजिक से, हाँ इस लॉजिक से अगर आ जाओगे तो अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इस लॉजिक से ये कभी सही नहीं हो सकता जो कि स्ट्रेट लाइन है, ये कभी सही नहीं हो सकता इस लॉजिक से, या तो ये सही है या तो ये सही है कि नॉन लीनियर वेरिएशन, यही दोनों है। अब इन दोनों में से या तो ये सही है या तो ये सही है, 50-50 आ गया। अब अगर 50-50 आ गया तो ये जो इक्वेशन था उसको अगर मैं यहाँ लिखूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अगर देखोगे तो इसको जब भी की वैल्यू, जब आर की वैल्यू जीरो है तो भी की वैल्यू कितनी मिल रही है देखो, तो भी इज इक्वल टू ई एम एफ ई और 1 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो 0 दैट इज v इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू 0 है जब r इज इक्वल टू 0 है। तो एक तो लॉजिक यहाँ से मिल गया, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा लॉजिक ये है कि अगर r मैक्सिमम बढ़ रहा है ना, तो r मैक्सिमम कितना टेंड कर सकता है, r मैक्सिमम अप्रोच कर सकता है इन्फिनिटी को। तो अगर r इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो v इज इक्वल टू ई एम एफ 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, ठीक है, तो इन्फिनिटी प्लस 1 तो ई एम एफ ई और 1 माइनस 1 अपॉन ए इन्फिनिटी आ जाएगा। और 1 अपॉन इन्फिनिटी वैसे तो मैथमेटिक्स में मतलब अनडिफाइन है, मतलब बट इट अप्रोच टू 0, इट अप्रोच टू 0। तो ये बहुत बड़ा एक में बहुत बड़े नंबर से ऐसे इमेजिन कर सकते हो, डिफाइन करूँगा तो ऑलमोस्ट 10 to 0 आएगा। तो अगर ये ई एम एफ ई आएगा और 1 माइनस ये 0 के अप्रोच कर गया तो भी ई एम एफ के इक्वल आ जाएगा जब R अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो ये भी अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे यहाँ अप्रोच लिखेंगे। तो ये वाली चीज़ मुझे मिल गई कि भी अप्रोच टू इन्फिनिटी, भी अप्रोच टू ई एम एफ ऑफ सेल, आर अप्रोच टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी अप्रोच टू ये 0। तो ये वाली जो चीज़ है, ये लॉजिक लगाओ तो इस लॉजिक से अब हमें सलूशन मिल जाएगा। तो इस लॉजिक से अगर मैं देखूँ बच्चों, इस लॉजिक से तो मेरे पास ये देखो, जब आर 0 है तो ये आर जी, ये वाली इस वाले पे R की वैल्यू जब 0 है तो V की वैल्यू तो ई एम एफ ई है, जो कि गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी R इज इक्वल टू 0 पे V की वैल्यू 0 आई थी, तो ये वाली R 0 पर V 0 है, मतलब सी ऑप्शन सही है, दिस वन इज द करेक्ट। तो ये दोनों मेथड है, एक है बुद्धि वाला जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, और दूसरा था जो सभी लोग करते हैं उसको। चलो